नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। आज 30 जनवरी दिन गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति ने मंडल गजरौला की बैठक की। पैराडाइज होटल नाईपुरा में बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन, राष्ट्रीय मंत्री अनुसूचित मोर्चा हरपाल सिंह ने कहा कि आप सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक साझा करने का महत्वपूर्ण तात्पर्य है ग्राम स्वराज अभियान, जिसके तहत सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में स्वेच्छा से जाकर रोज 10 घरों में पार्टी का प्रचार करेंगे और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर फैल रही भ्रांतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान भी दें, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय देने वाला कानून है। इसलिए हम सब खुले मन से इस कानून का पालन करते हैं और इसे मानते हैं। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने धन्यवाद और बधाई देते हुए कहा कि 6 माह के कार्यकाल में उन्होंने 370 हटा दी। साथ ही 35A, राम मंदिर और 3 तलाक पर बड़ा फैसला लेकर दुनिया को चौंका दिया। उन्हीं के माध्यम से सबसे अच्छा और सच्चा कानून हमारे हित में CAA है, जिसका हम सब पालन करते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति, नरेंद्र चौधरी, अंकुर नागर, चंद्रपाल सिंह पाल, मास्टर राजेंद्र चौधरी, अजब सिंह, नगर त्रिभुवन सिसोदिया, ठाकुर संजय सिंह गौर, मुकेश कुमार, महेंद्र सिंह प्रजापति, रामकृष्ण अनिल गर्ग, गुरुवचन सिद्धू, नितिन चकारा, कुमार पाल खड़गवंशी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती शशि चौहान, मनजीत सिंह, सुशील मौर्य, तेजपाल प्रधान, महेश प्रधान, रवि सैनी, हरि सिंह सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। अपने माँ बहन बेटे की इज्जत बचाने के लिए लाखों लोगों ने अपने जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। तो इतने संघर्ष के बाद आजादी मिली और उसे हम बार बार याद करके और उसके समर्थन में हम काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई चीज आसानी से मिल जाती है, लेकिन जाना बड़ा वो रखी नहीं जाती, आसानी से चली भी जाती, उससे ज़्यादा चली जाती है। इसको हम अपनी आज़ादी को ये कैसे रहे, तो CAA उसका एक भाग। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, भारतीय संस्कृति है तो पूरे संसार को हम अपने परिवार के समान समझते हैं। उसी के तहत नर सेवा, नारायण सेवा और मानव को एक समान मानने के भारतीय जनता पार्टी की योजना है, नीति है, तो उसी योजना के तहत CAA को हमने जो लागू किया, क्योंकि हमारी सरकार ने जो अल्पसंख्यक लोग विदेशों में हैं, परिवार के लोग वहाँ छूटे हैं, वो भी हमारे यहाँ वापस आने का काम करेंगे और यही प्रक्रिया चलती रही तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो धर्म का पलायन हो रहा था, जो हमारे तरफ से लोग जा रहे थे दूसरे धर्म कर रहे थे, वो वापस आने का, हमारे जो लोग वापस आने का काम भी करेंगे, लगेगा कि विशेष सम्मान है, क्योंकि देश का बंटवारा रहेगा जभी जब आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और जो भेदभाव की नीति हम लोगों की, बहुत सारे लोगों की हो जाती है, उनको समझाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी वो संस्कृति को। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।